इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां पर एक संतों की बैठक होने जा रही है। आपको बता दें, आगामी 5 अक्टूबर को ये बैठक आयोजित की जाएगी। इस महाबैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर संत समाज के बीच चर्चा होगी। वीएचपी के संत उच्चाधिकार समिति की ये बैठक होगी, जो कि काफी अहम मानी जा रही है। देश भर के 30 से 35 बड़े संत इस बैठक में हिस्सा लेंगे। दिल्ली में संतों की ये महाबैठक है, 5 अक्टूबर को ये बैठक रखी जाएगी। राम मंदिर को लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा हो सकती है। बीएचपी के संत उच्चाधिकार समिति की ये बैठक है। देश भर के तमाम संत इस बैठक में 30 से 35 संत हिस्सा लेंगे, आपको बता दें। और रामलला एक अहम मुद्दा है, जिसको लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा की जा सकती है। अमित दुबे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, ये बैठक एक लिहाज से देखा जाए तो काफी अहम है, क्योंकि रामलला जो मंदिर है वो चर्चा का विषय बना रहता है, इसको लेकर संत समाज बैठक कर रहा है, क्या कुछ खास होगा? देखिए, कई बड़े संतों को निमंत्रण भेजा गया है। कम से 36 संत ऐसे संत और अखाड़े के लोग हैं जिन्हें खास तौर इनविटेशन भेजा गया। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बैठक बुलाई गई है 5 अक्टूबर को, क्योंकि इससे पहले भी कई बार राम मंदिर का मुद्दा उठ चुका है। और खास बात ये है कि अब मांगे इस तरह की उठने लगी है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे अगर सरकार अन्य मुद्दों पर अध्यादेश ला सकती है तो राम मंदिर पे अध्यादेश क्यों नहीं ला सकती और क्यों नहीं राम मंदिर बन सकता। तो जाहिर तौर पर मुहिम तेज हुई है। विश्व हिंदू परिषद खास तौर पे आगे है, सभी संतों को यहाँ इनवाइट किया गया है 5 तारीख को। अब आगे की रणनीति तय होगी। जिस तरह से लगातार कई संत दावा कर रहे हैं कि हर हाल में राम मंदिर बनना चाहिए, और उसे लेके यहाँ पे 5 तारीख को जो बैठक बुलाई गई, खासतौर पर उसकी रणनीति तैयार होगी कि आगे आखिर संत विश्व हिंदू परिषद या और जो हिंदू संगठन है जो राम मंदिर के पक्ष में उनकी रणनीति। अगर देखा जाए तो रामलला को लेकर बात की जाए या अन्य धर्म को लेकर बात की जाए, राजनीति और धर्म का एक गहरा रिश्ता सा नजर आने लगा है। रामलला एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर राजनीति भी काफी नजर आती है। अब क्या लगता है कि इसका कोई हल निकलता नजर आएगा इस बैठक के बाद से? देखिए, अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार या सरकार के मंत्री हमेशा से ही मामले को साफ तौर से मामला सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते रहे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट इससे संज्ञान लेगा। लेकिन चूंकि मामला काफी लंबा है और लगातार जो है तारीखें जो है वो बढ़ती जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने अब तक डिसीजन नहीं दिया है, हिंदू संगठन इसे लेके चिंतित है। और जाहिर तौर पर ऐसे में जब चुनाव भी आने वाला है तो खासतौर पर आप संगठन चाहते हैं कि इसका फैसला जो है वो जल्द से जल्द हो कि राम मंदिर आखिर कब तक बनेगा, कब तक ये मुद्दा यूं ही लटका रहेगा। केंद्र और यूपी दोनों जगह बीजेपी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसके बावजूद जो राम मंदिर का ना बनना कहीं ना कहीं अब हिंदू संगठनों को भी खलने लगा है। और यही एक बड़ी वजह है कि जो ये बैठक बुलाई जा रही है इसमें आगे की रणनीति की जाएगी। अमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस बैठक के दौरान कौन कौन से बड़े संत शामिल हो रहे हैं, क्या किसी के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी 7 सितंबरा को इनविटेशन यहाँ पे भेजा गया है, और खासतौर पे ये जो बैठक है ये विश्व हिंदू परिषद की तरफ से खासतौर पर बुलाई गई है। तो जितने भी संगठन है, चाहे वेदांति महाराज हो या साध्वी रितंबरा की हम बात कर रहे थे या अन्य धर्म गुरु हो, वो सबको यहाँ पे इन्वाइट किया गया। दूसरी की कई अखाड़े के संगठन के प्रतिनिधि भी इसमें भाग लेंगे, चाहे जूना अखाड़ा की बात करें या अन्य अखाड़ों की बात करें। तो चूंकि आगे की रणनीति तय होनी है, इसलिए मेन मेन लोगों को जो तमाम बड़े जो कहीं ना कहीं राम लला मंदिर को लेकर बयानबाजी भी करते रहते हैं ना बनने को लेकर, तो इस महाबैठक में सभी के लगभग शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो काफी अहम बैठक मानी जा रही है, और इस बैठक के बाद आपको बता दें दौरान एक रणनीति तैयार की जाएगी कि आखिर रामलला का मंदिर कैसे बनाया जाए।